हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और एक्सरसाइज 5.3 हमारी चल रही है। 8 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। फाइंड dy बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x होगी 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर यहाँ x के प्लेस पर, बहुत ध्यान से समझना बात को, अगर मेरे पास x के प्लेस पर कोई फंक्शन आ जाए साइन इनवर्स एफ एक्स, तो भी डेरिवेटिव तो इसी तरह आ जाएगा 1/1 माइनस फंक्शन का स्क्वेयर पूरे का, x की जगह फंक्शन आ गया उसका स्क्वेयर पूरे का अंडर रूट, और जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे हैं फंक्शन की फिर से हो जाएगी डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना। ये साइन इनवर्स एक्स है, ये साइन इनवर्स एफ एक्स है, और हमारा जो नाइन्थ क्वेश्चन है वो साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है, यानी यहाँ केवल x तो है नहीं भाई। अब केवल x कैसे देगा एग्जामिनर? केवल x रख के तो एक ही फॉर्मूला बन रहा है, वो उसने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो अब ये इसको तो एज ए क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं कर सकता ना एग्जामिनर, या बुक वाला भी नहीं कर सकता, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज के लिए यहाँ पर ये फंक्शन डाल दिया। अब अगर भाई तुम इसको इस तरीके से डिफरेंशिएट करते हो, सुन लो मेरी बात, तो इसकी जो डिफरेंशिएशन है वो क्या बनेगी, 1/1 माइनस इस पूरी की पूरी टर्म का स्क्वेयर का अंडर रूट, और इस पूरी की पूरी टर्म का फिर से डेरिवेटिव। और ये बहुत लंबा प्रोसेस चला जाएगा। यहाँ भी हमें ये सारा अंडर रूट के अंदर एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करें? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है, वहीं से आइडिया लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे, और पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर इस फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना 2.2 एक्सरसाइज में आप देख चुके हो। तो ये फंक्शन है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ कुछ ऐसा रखना है कि बाहर देखो, ये रिजल्ट्स आपके सेकंड चैप्टर में आ चुके हैं। जिन बच्चों ने सेकंड चैप्टर नहीं किया है मेरे, देखो मैं एक बात और बता दूँ, कई बच्चों को लिंक ही नहीं मिलता। चैनल पर जाओ, चैनल पर यहाँ होम लिखा रहता है, इधर वीडियोस लिखा रहता है, इस होम पर क्लिक करो तो कुछ 5-7 वीडियोस आएंगे, और उसके बाद मैंने 12th, 11th, 10th ऐसे क्लास वाइज सारी प्लेलिस्ट डाल रखी हैं। आपको सारी ऐसे स्क्रॉल करते जाओगे, सारी प्लेलिस्ट आपको मिलती चली जाएंगी। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, वहाँ जाओ, चैप्टर नंबर 2 को अपना समझो और फिर इस पर आओ दोबारा से। तो ये हमारा थीटा बन जाता है, और अगर बाहर साइन है और अंदर साइन इनवर्स, यहाँ तो साइन एक्स करना भाई, ठीक है चलो थीटा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ एक्स कर लो तो ये एक्स आ जाएगा। तो ये सब मैं आपको चैप्टर नंबर 2 में समझा चुकी हूँ, क्लियर है? तो अब इस पर हम बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाने वाले हैं। आपने यहाँ ऐसा कुछ पुट करना है कि अंदर साइन या कॉस आए और कुछ ना आए, तो फिर वही बात मैं बार बार फोकस कर रही हूँ, चैप्टर नंबर 2। तो यहाँ मैंने एक्स को टेंजेंट थीटा रख देना है, पुट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अभी हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, अभी हम इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा, क्लियर है? ये मैंने पुट किया है, ये फॉर्मूला साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। मैं अब बार बार नहीं लिखूंगी, मैंने बता दिया, सेकंड चैप्टर अभी जस्ट ही कंप्लीट करके मैं हट रही हूँ। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेंजेंट थीटा बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, और साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, और वाई आ जाएगा 2 थीटा। थीटा हमें यूज नहीं करना, थीटा हमने हटाना है। तो यहाँ से जब आप थीटा लोगे तो कितना आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो ये फंक्शन वाई बन जाएगा 2, थीटा की जगह मैंने लगा दिया टेंजेंट इनवर्स एक्स। ये इतना बड़ा फंक्शन सिंपल होकर इतना छोटा सा बन गया है, और अब आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए। y इज इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स x,
डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो बिल्कुल सिंपल, ये तो 2 हो गया और टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर. लास्ट लेक्चर में सारे फॉर्मूले इनवर्स के लिखवा चुकी हूँ. तो 2 × 1 = 2/1 प्लस एक्स स्क्वेयर और ये आ गया हमारा फाइनल आंसर. बिल्कुल सिंपल है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3x − x³/1 − 3x². इसमें ना ये एक्स्ट्रा दे दिया है, 9 में नहीं थी ये कंडीशन, −1√3 <x>(1√3). तो भैया ये कंडीशन आप चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ चुके हो. वहाँ पर मैंने इनका यूज़ करके अपनी जो आइडेंटिटीज होती थी, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, इनका यूज करते थे कि अगर एक्स −90 to 90 क्लोज इंटरवल में है, यहाँ एक्स 0 to π क्लोज इंटरवल में है एंड सो ऑन, तभी भाई ये हमारा अप्लाई होगा. तो वो चीज़ के लिए यहाँ पर ये दिया गया है. ठीक है, तो जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 2 अभी तक नहीं किया है, पहले वो उसको अच्छे से देखें तब इसको सॉल्व करें. सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लर्न कर लें क्लास 11th की, अगर आपने अभी तक लर्न नहीं की है तो. सारे अपने डबल एंगल के फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल के फॉर्मूला, CD फॉर्मूला, ये सब आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, तभी आप प्लस 2 में अच्छा स्कोर कर सकते हो. तो चलिए, अब मुझे ऐसा कुछ पुट करना है कि अंदर मेरा टेंजेंट आ जाए. तो यहाँ मैं रखूँगी वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, अरे पहले पुट करना था, पहले पुट करना है पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा. तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा बाय 1 − 3 टेंजेंट स्क्वेयर थीटा. और ये टेंजेंट 3 थीटा की आइडेंटिटी है क्लास 11th, उसमें आ जाती है. तो इस पूरे को मैं लिख सकती हूँ टेंजेंट 3 थीटा. अब असल में क्या है कि ये दोनों कैंसिल होकर 3 थीटा तभी आएगा जब ये एंगल −90 to 90 के ओपन इंटरवल में होगा. उसको मैं एक पार्ट ये समझा रही हूँ 10th, बाकी आपने अपना सेकेंड चैप्टर की हेल्प से करना है. ये कह रहा है कि x की वैल्यू −1√3 to 1√3 के बीच है. x को मैं क्या पुट कर चुकी हूँ, टेंजेंट थीटा. इसका मतलब क्या है भैया कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू −1√3 to +1√3 के बीच है. इसका मतलब टेंजेंट की वैल्यू 1√3 30 डिग्री पे होती है. तो ये एंगल −30 थीटा −30 to +30 के बीच है. हमें चाहिए 3 थीटा, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 3 से और यहाँ भी 3 से, 3 × 2 = 6 −90, ये लेस देन था भाई, यहाँ ये बन गया 3 थीटा, 3 × 2 = 6 π/2. जो 3 थीटा एंगल था वो −90 to 90 के ओपन इंटरवल में आ गया. इट मींस अब हम यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x इज इक्वल टू x लगा सकते हैं. तो y बन जाएगा 3 थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से लोगे तो कितनी बन जाएगी, टेंजेंट इनवर्स x. सिंपल. अभी 9th क्वेश्चन में आया था y इज इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स x, ये आ रहा y इज इक्वल टू 3 टेंजेंट इनवर्स x. डिफरेंशिएशन करोगे तो y डैश हो जाएगा 3/1 + x². HBSC में ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन CBSE स्टूडेंट्स को ये अपना लिमिट का ध्यान रखना है. अगर ये 3-4 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है तो आपने पूरी डिटेल ये करके आनी है. इतना कर आते हो, ये नहीं भी कर पाते हो तो एक नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आपका कट सकता है, नॉट मोर देन दैट. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11. y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 − x² / 1 + x² 0 < 1 dy/dx हमने निकालना है. यहाँ पर भी आपने टेंजेंट थीटा ही पुट करना है. तो y बन जाएगा कॉस इनवर्स 1 − tan²θ बाय 1 + tan²θ और ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का. तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा और cos इनवर्स से cos कैंसिल 2 थीटा बन जाएगा. थीटा फिर से क्या आ जाएगा हमारा, टेंजेंट इनवर्स x. तो ये बन जाएगा 2 टेंजेंट इनवर्स x.
अब डिफरेंशिएट करो तो dy by dx 2 तो एज इट इज, और टेंजेंट इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती है 1/1 + x2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। लिमिट चेक करना चाहो 0 < x < 1, x का मतलब cos, नहीं क्या रखा था मैंने x को, टेंजेंट थीटा रखा था, तो टेंजेंट की वैल्यू 0 कितने पर होती है, 0 पर, और 1 कितने पर होती है, 45 पर। थीटा, थीटा की वैल्यू 0 से 45 के बीच हो गई क्योंकि टेंजेंट थीटा 0 से 1 के बीच है। मुझे चाहिए 2 थीटा, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0, यहाँ 2 और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 थीटा बिलोंग कर गया 0 to π/2 के ओपन इंटरवल को, जो कि सबसेट है 0 to π क्लोज इंटरवल का, कि cos इनवर्स cos x, x तब होता है जब x 0 to π क्लोज इंटरवल में हो। तो इतना सा यूज है इसका, अगर हमने सेकंड चैप्टर का रखा है कोई दिक्कत नहीं है। अब जल्दी से मैं क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ आपको कराऊंगी, बहुत ही आसान है, इसी से मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 12 है साइन इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 12 है y = sin inverse, ध्यान से देख लो, 1 - x² / 1 + x², ठीक है, कंडीशन बिल्कुल वही है, x को मैं टेंजेंट ही रखने वाली हूँ, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बाहर साइन है और अंदर कॉस है, एक बड़ी सिंपल सी आइडेंटिटी 10th क्लास में आ जाती है, cos θ = sin 90 - θ, बाहर साइन है और अंदर कोस है, तो अंदर साइन ही आना चाहिए, साइन इनवर्स से साइन ही कैंसिल होगा, जो हमारी आइडेंटिटी है वो साइन के लिए ही है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसको बदलेंगे साइन 90 - 2θ में, ठीक है, वो वाली आइडेंटिटी हमने लगा दी है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और वाई की वैल्यू आ जाएगी π/2 - 2θ, π/2 एज इट इज, -2θ का मतलब टेंजेंट इनवर्स x। अब आपने ये कंडीशन आप कर लीजिएगा, ये सब कंडीशंस मैंने वहाँ पर सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छे से करवा रखी हैं। अब ये y की वैल्यू आ गई π/2 - 2 टेंजेंट इनवर्स x, डिफ्रेंशिएट कर दो तो y′ π/2 कांस्टेंट है 0 - 2 टेंजेंट इनवर्स x की 1/1 + x² 0 हट जाएगा और ये आपका 12th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चार क्वेश्चन कर लिए हैं, चारों में ही टेंजेंट इनवर्स x हमें बाई चांस पुट करने को मिल रहा है, तो डिफरेंशिएशन में तो कोई प्रॉब्लम हमें लास्ट में आ ही नहीं रही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर 9 का जुड़वा भाई है, वहाँ साइन इनवर्स था, यहाँ कॉस इनवर्स लिखा आ रहा है, तो फिर से टेंजेंट थीटा पुट करेंगे तो वाई बन जाएगा कॉस इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा बाय 1 + tan²θ, और ये जो आइडेंटिटी है ये साइन 2 थीटा की है। अब बाहर कॉस इनवर्स है और अंदर साइन है, इसको कॉस में बदलेंगे, अभी आइडेंटिटी बताई थी मैंने, उसी का उल्टा कर दो, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 - θ, तो इसको चेंज कर दो अंदर वाले को, बाहर तो कॉस इनवर्स और ये बन गया कॉस 90 - 2θ, कॉस इनवर्स से कॉस बैलेंस हो जाएगा, वाई की वैल्यू आ जाएगी π/2 - 2θ, यहाँ कराती हूँ मैं, π/2 - 2θ का मतलब टेंजेंट इनवर्स x, इसको कर दो डिफरेंशिएट, y′ = 0 - 2 टेंजेंट इनवर्स का 1/1 + x², ये ख़त्म और ये हमारा आंसर आ जाएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, आसान हैं, मुश्किल हैं, समझ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कुछ और आप चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर डिस्कस करें कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा अलग आया है क्वेश्चन नंबर 14, y = sin inverse 2x √1 - x², फिर वही बात आ जाती है चैप्टर नंबर 2 की, भाई हमें यहाँ कुछ ऐसा रखना है कि साइन या कोस में बदले, एक आइडेंटिटी है साइन की बहुत सिंपल सी, कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin θ cos θ, थोड़ा थोड़ा ये नेचर इससे मिल रहा है, बहुत ध्यान से देखना, भाई 2 हो गया, इसको अगर मैं साइन थीटा रख दूँ, रिजेंबल करो यहाँ, तो यहाँ साइन रखने से 1 - sin²cos² और ये कॉस बन जाएगा हमारा, उससे मिल गया, तो यहाँ x को पुट कर लीजिए साइन थीटा, तो y बन जाएगा साइन इनवर्स 2 sin θ,
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर, कॉस स्क्वेयर का अंडर रूट करिएगा तो कॉस थीटा, आ गई वो आइडेंटिटी, इसकी जगह मैं रख दूंगी साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, दोनों बैलेंस होकर 2 थीटा। अब यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आएगी वो साइन इनवर्स एक्स आएगी, तो वाई बन जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स। साइन इनवर्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, शुरू में बता दी थी मैंने, 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन रह जाता है, क्वेश्चन नंबर 15, मैंने कंडीशन नहीं लिखी है अब इनके साथ, तो कंडीशन आप अपनी देख लीजिएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है, सीकेंट इनवर्स 1/2x² - 1, फॉर्मूले आने चाहिए, कुछ भी नहीं है, सीकेंट के साथ सीकेंट ही आना चाहिए या कॉस आना चाहिए, नीचे कॉस आ जाए, देखो मेरी बात सुनो, एक बात बताती हूँ मैं, नीचे कॉस आ जाए तो 1/cos सीकेंट बन जाएगा, और सीकेंट इनवर्स से सीकेंट, कई बार आइडिया ना मिले, सब ट्रिक्स बता रखी है मैंने सेकंड चैप्टर में, नीचे मुझे कॉस चाहिए, मुझे तो फॉर्मूला याद है, इसको मुझे कॉस थीटा रखना है तो इसको उधर ले जाओ, तो 2x² हो जाएगा 1+cos थीटा, और ये नीचे जाके 2, और ये इसका अंडर रूट, सुन लो मेरी बात ध्यान से, तो ये कॉस थीटा बाय 2 की फॉर्म में हमारा आ जाएगा, एक फॉर्मूला याद कर लो, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, और यही बन जाता है 2cos² θ - 1, ये याद कर लो, इसको हाफ में बदलना पड़ेगा अगर मैं यहाँ कॉस रखूँगी, अब रिजेंबल करो, मिलाओ, इनको मैच करो, ये 2x² - 1 2cos² θ - 1 मैच कर रहा है, तो यहाँ पर आपने x की जगह रख देना है cos थीटा, तो y बन जाएगा secant inverse 1/2cos² θ - 1, और ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, तो y बन जाएगा secant inverse 1/cos² θ, 1/cos क्या होता है, secant होता है, तो इसको ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा secant 2 थीटा, secant inverse से ये तो हमारा एक्स्ट्रा में रह गया, चलो इसको तो फॉर्मूला में या नोट भी कर सकते हैं हम, अब secant inverse से secant खत्म हो जाएगा, y की जगह कितना आ जाएगा भैया 2 थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से ले लो तो कितनी आ जाएगी cos inverse x, इसको अब मैं करने जा रही हूँ डिफ्रेंशिएट, तो y डैश इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x की डिफरेंशिएशन माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट, तो यहाँ माइनस लग जाएगा और 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी एक्सरसाइज थी ये हमारी, मैंने पूरी करवा दी है, फिर भी कोई डाउट आपको रह जाता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, अपने सजेशंस ज़रूर देंगे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, थैंक यू।